शीत सत्र के दूसरे दिन विधायक विकास ठाकरे ने अंबेडकर स्मारक पर प्रश्न डालते हुए विविध मुद्दों पर प्रतिक्रिया साझा की है। शीत सत्र का आज दूसरा दिन है, हमारे साथ जो है विधायक विकास ठाकरे हैं। क्या बताओगे कि विधायक के मुद्दों को लेकर आप कुछ विदर्भ में जो सभी आमदारों को डेवलपमेंट के लिए निधि मिला था, उस निधि के ऊपर ये गवर्नमेंट ने स्थगिति दे दी है, जिससे आम आदमी के काम रुक गए हैं। वो स्थगिति हटाने के लिए सभी आमदार आज आक्रामक थे। दूसरा, बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक जो 700 करोड़ की गरुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को कवड़ी मोल दाम में दे दी, और विदर्भ की जनता का जो एक हृदय स्थल था अंबाजरी गार्डन, अंबेडकर बाबा साहब स्मारक, वो एक प्राइवेट कंपनी को देने का षड्यंत्र जो रचा है उसके खिलाफ बात हुई। आज हरपुर की जो NIT की जगह थी सक्करदरा स्ट्रीट क्रीम की, जो हाईकोर्ट ने आदेश देने के बावजूद भी तत्कालीन नगर विकास मंत्री ने उसके फेवर में आदेश दिया और कोर्ट में उसने ऊपर स्ट्रिक्चर पास किए, उसके खिलाफ में मुख्यमंत्री का राजीनामा मांगे गया। इतने मुद्दे आज सभागृह में हुई और सभा स्थगित हुई है। आने वाले सभागृह चालू होने के बाद और विदर्भ के मुद्दों के लिए आक्रामक आमदार रहेंगे। जिस तरह से वो जो बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक का मुद्दा है, काफी दिनों से उससे चर्चा में है, आंदोलन हो रहे हैं, तो क्या मतलब आपको जवाब क्या मिला है? क्या उस पे स्मारक बनेगा या गरुड़ा इंफ्रा को जो जमीन दी गई? पहले तो जो स्मारक ऑलरेडी महानगर पालिका ने बनाया था उसको तोड़ने के लिए उस कंपनी ने किसी के NOC नहीं ली, गवर्नमेंट के लिए नहीं, ना महानगर पालिका के लिए, ना पर्यटन के लिए, और बेकायदेसी रूप से उसको तोड़ा है, तो उसके ऊपर FIR दाखिल होने का होना। और 44 एकड़ जगह जिसकी रेडी रेकनर के भाव से करोड़ों रुपए की कीमत है, वो नाम मात्र दर में उस कंपनी को देके गवर्नमेंट को क्या फायदा? अगर पर्यटन क्षेत्र डेवलप करना है तो स्थानिक स्वराज्य संस्था महानगर पालिका या नागपुर सुधार प्रन्यास कर सकती है। तो एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए इतना बड़ा निर्णय, ये नागपुर शहर के जनता से आघात है, और मुझे लगता है कि इस बारे में सरकार ने फैसला लेना चाहिए, वो करार रद्द कराना चाहिए, उस कंपनी के तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक पुनः स्थापित करना चाहिए, यह मांग सब आमदारों की। बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक बनना चाहिए, यह मांग आज जो है विकास ठाकरे विधायक जो है इन्होंने रखी है। अब देखना होगा ये मांग पूरी होती है या नहीं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।